फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट एम्पलीफायर बनाना सिखाऊंगा कि इसके कनेक्शंस कैसे करते हैं और इससे कैसे आउटपुट लेनी है और कैसे कनेक्शंस इसके ए टू जी आर कनेक्शंस मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस बेस ट्यून को कैसे ऑन करना है, बेस ट्यून की सप्लाई कैसे बनाते हैं, कैसे कनेक्शंस करने इन दोनों किट्स के आपस में और मैंने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया, कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ किया, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो मैं बेस ट्यून इसमें यूज़ कर रहा हूँ, इसके ज़रिए हम इसका बेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक का ट्रेबल भी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं और दोनों स्पीकर्स का बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से स्पीकर में ज़्यादा आवाज़ आए, कौन से में कम आए और दोनों में इक्वल आए या एक में ज़्यादा कम आए। ये सारी सेटिंग भी हम इस बेस ट्यून कंट्रोलर के ज़रिए कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये एम्पलीफायर कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम एक 30 वाट प्लस 30 वाट का कंप्लीट 60 वाट का एक ऑडियो एम्पलीफायर बनाएंगे। ये मेरे पास एक किट है, डी 526 के चार ट्रांजिस्टर इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। 60 वाट की ये आउटपुट देती है और एक स्पीकर के ऊपर हमारी 30 वाट की आउटपुट हमें मिलेगी। और ये एक बेस टोन कंट्रोलर है डीसी 12 वोल्ट का, जिसे हम बेस ट्रेबल बैलेंस वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, 25025 वोल्ट एसी का ट्रांसफार्मर है, 4 एम्पेयर का, 25025 और 12 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट है। और ये मेरे पास एक ब्रिज सर्किट है जिसके साथ मैंने 1000 UF 100 वोल्ट का कैपेसिटर सोल्ड किया हुआ है, जिसको मैं डीसी 12 वोल्ट की बेस ट्यून को सप्लाई देने के लिए यूज़ करूँगा। तो इस वीडियो में मैं इसके कम्प्लीट कनेक्शन कैसे करने हैं, कम्प्लीट बेस ट्यून को कैसे सप्लाई देनी है, कैसे इसको इस सर्किट के साथ कनेक्ट करना है, कंप्लीट कनेक्शन मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस ट्रांसफार्मर के हवाले से बता देता हूं। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 4 एम्पेयर का और इसकी आउटपुट 25025 वोल्ट एसी और साथ ही साथ 12 वोल्ट एसी की आउटपुट भी ये देता है। तो सबसे पहले मैं अपने मल्टीमीटर को एसी वोल्ट के ऊपर सेट कर लेता हूं और मैं आपको इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज चेक करा देता हूं। ये इसकी 220 वोल्ट इनपुट है। तो आपने इस एम्पलीफायर किट के साथ 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है और 25025 एसी वोल्ट आउटपुट का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आउटपुट चेक करवा देता हूँ मल्टीमीटर में। ये मैं अपनी वायर को यहाँ इसके इनपुट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और इस ट्रांसफार्मर को मैं प्लग इन कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 23 वोल्ट ये यहाँ पर दे रहा है एसी और 23 वोल्ट यहाँ पर, सेंटर वाली जो होती है वो कॉमन होती है। और अगर कोने वाली दोनों पर हम लगाएंगे तो ये 48 वोल्ट आउटपुट दे रहा है और ये जो है यहाँ पर हमें एसी 13 वोल्ट मिल रहा है। इस वाली सप्लाई से मैं ऑन करूँगा अपनी बेस ट्यून कंट्रोलर को और ये वाली सप्लाई जो है मैं अपनी इस किट के साथ कनेक्ट करूंगा। ये 25025 वोल्ट एसी के ऊपर ये किट ऑन होती है। तो आप सबसे पहले अपनी किट को कनेक्ट कर लेते हैं अपने ट्रांसफार्मर के साथ। तो ये जो मेरे पास किट है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हो, तो ये इसका ग्राउंड पॉइंट है और ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये वाले तीन कनेक्शन करूँगा अपने ट्रांसफार्मर के। इसी तरह ट्रांसफार्मर के ऊपर भी एक तीन पॉइंट्स है, सेंटर वाली ग्राउंड है और ये हमारी दो वायर्स हैं। इन तीनों को मैं यहाँ इसके साथ सोल्ड कर दूंगा। यहाँ पर सेंटर वाली सेंटर में लगेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड पर और राइट वाली राइट साइड के ऊपर। तो अब सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से अपने ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन करने के लिए मैं ये वाली वायर यूज़ करूँगा। ये वायर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से ईजिली मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एम्पलीफायर किट को ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करके सप्लाई दे दी है।
अब इसके बाद सेकंड काम क्या करना है कि जो मेरा मेरे पास ये जो बेस टून कंट्रोलर है ये ऑपरेट होता है डीसी 12 वोल्ट के ऊपर। तो ये जो सप्लाई है ये एसी 13 वोल्ट है, एसी 12 वोल्ट है, यानी 15 वोल्ट तक हम इसको, 15 से 18 वोल्ट तक भी हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ब्रिज को यूज़ करते हुए, ये एक ब्रिज सर्किट है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपको ये सर्किट बनाना नहीं आता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से ब्रिज सर्किट बनाया जाता है या फिर किस तरह से एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने वाला सर्किट बनाया जाता है। तो ये एक ब्रिज सर्किट है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ मैंने इसके साथ एक कैपेसिटर यूज़ किया है डीसी सप्लाई के ऊपर 100 वोल्ट 1000 यूएफ का। तो इसको मैं यहाँ 12 वोल्ट वाली सप्लाई के साथ सोल्ड कर देता हूँ ताकि हमारा एसी 12 वोल्ट डीसी 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ब्रिज सर्किट को अपने एसी सप्लाई के साथ सोल्ड कर दिया और ये हमारी आउटपुट है डीसी। और यहाँ पर मैं अपनी बेस ट्यून की सप्लाई को यहाँ से सप्लाई लेकर इस बेस ट्यून को दूंगा ताकि ये मेरी बेस ट्यून कंट्रोलर की जो है वो ऑन हो सके। तो अब यहाँ से एक पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर लेकर यहाँ बेस ट्यून की पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ सोल्ड कर देंगे। इस सर्किट के ऊपर लिखा हुआ है प्लस माइनस, यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर देंगे। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं सर्किट के ऊपर प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं डीसी प्लस माइनस की सप्लाई को सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा ताकि मेरी ये किट जो है ये ऑन हो सके। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बेस ट्यून कंट्रोलर जो है इसको भी सप्लाई दे दी है इस ट्रांसफार्मर से। डीसी 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने इसको दे दी है जिसके ऊपर ये कंट्रोल की टॉन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो इसकी आउटपुट है वहाँ से वायर्स को इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट कर देना है। यानी यहाँ से मैंने आउटपुट की वायर्स को लेना है, जो इस बेस ट्यून कंट्रोलर की आउटपुट है उसको मैं इसकी इनपुट के साथ सोल्ड कर दूंगा। तो उसके लिए भी मैं ये वाली वायर यूज़ करूँगा। तीन केबलें हमारी यहाँ से होंगी, लेफ्ट राइट और ग्राउंड की आउटपुट यहाँ लेफ्ट राइट और ग्राउंड की इनपुट के साथ सोल्ड हो जाएगी। तो मैं ये वायर लेकर इसकी आउटपुट से इसकी इनपुट के कनेक्शन जो है वो यहाँ बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है इनपुट। क्या आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है इनपुट, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये सेंटर वाली ग्राउंड है। तो यहाँ पर मैं इसको इनपुट दे दूंगा इस बेस ट्यून की आउटपुट के साथ। तो इस वायर को यूज करते हुए मैं इसके तीनों कनेक्शन करूंगा, लेफ्ट राइट और ग्राउंड का। तो फ्रेंड्स अगर आपको मैं बेस ट्यून जूम करके दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके ऊपर ये लिखा हुआ है आउटपुट और यहां पर नेगेटिव और ग्राउंड जो है वो कॉमन होती है। एक मेरी यहां नेगेटिव के साथ सोल्ड हो जाएगी और ये लेफ्ट चैनल की आउटपुट है और ये राइट चैनल की आउटपुट है। लेफ्ट चैनल आउटपुट, राइट चैनल आउटपुट और ग्राउंड, मैं इन तीनों कनेक्शंस को सिंपली यहाँ इसके इनपुट के साथ सोल्ड करूँगा। We'll be right back.
फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी आउटपुट से कनेक्शन लेके इसके इनपुट में दे दिया। इसके के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर अब हम सिंपल स्पीकर कनेक्ट कर देंगे। ये मेरे स्पीकर्स की दो वायर्स हैं, इनके साथ मैं अपने लेफ्ट और राइट चैनल के स्पीकर को कनेक्ट कर दूंगा। और अब सिर्फ मैंने ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करना है, वो इस बेस ट्यून के जरिए करना है। तो अगर मैं बेस ट्यून के ऊपर आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इनपुट। ये तीन पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने इनपुट करनी है। ये कोने वाला ग्राउंड है और ये लेफ्ट इन है और ये राइट इन है। यहाँ आप सर्किट को अगर उल्टा कर देखेंगे तो जो ग्राउंड होती है वो नेगेटिव के साथ ही सोल्ड हुई होती है। तो अगर मैं इस प्रिंट को ट्रैक करूँ तो ये नेगेटिव और ग्राउंड सेम है। तो ये मेरा ग्राउंड पॉइंट है और ये मेरे लेफ्ट चैनल इनपुट है और ये राइट चैनल इनपुट है। तो यहाँ पर मैं ऑडियो इनपुट कर दूँगा अपनी ऑक्स केबल के ज़रिए। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास एक ऑक्स केबल है जिसके ज़रिए मैं इस सर्किट को इनपुट करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ बेस ट्यून का जो इनपुट है यहाँ पर मैं ऑक्स इनपुट केबल को सोल्ड कर दूंगा। इसके अंदर तीन वायर्स हैं, ये ग्राउंड है, ये लेफ्ट चैनल इनपुट और ये राइट चैनल। इसको मैं यहाँ पर सोल्ड कर दूंगा अपने बेस ट्यून कंट्रोलर के साथ। तो फ्रेंड्स ये हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी ऑडियो इनपुट केबल हो गई और ये ट्रांसफार्मर को मैंने अभी अपनी सप्लाई देकर ऑन करना है 220 वोल्ट के साथ। और यहाँ पर मैं अपने स्पीकर्स को कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर स्पीकर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ, राइट चैनल और लेफ्ट चैनल को भी, और ट्रांसफार्मर को सप्लाई देकर चेक करते हैं कि ये एम्पलीफायर कैसा काम करता है। तो सबसे पहले अब मैं कनेक्शंस कर लेता हूँ स्पीकर्स के। ये मेरे एक स्पीकर की वायर है 8 इंच का, ये स्पीकर है जिसको मैं चलाने लगा हूँ इसके किट के साथ। और दूसरे चैनल में मैं एक 6 इंच का सब ऊपर यूज़ करूँगा जिससे बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इन वायर्स को आपने सर्किट से थोड़ा सा दूर कर लेना है क्योंकि अगर ये वायर जो है ट्रांजिस्टर की हीट सिंकर के साथ शॉर्ट होंगी तो ये सर्किट जल भी सकता है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि हमारा एम्पलीफायर जो है ऑन हो गया। ये इसकी ऑडियो इनपुट की केबल है। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज करूँ थोड़ा तो ये आप देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर काम कर रहा है। ये इसका ट्रेबल कंट्रोल है, ये बेस है। तो अब इसको मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि इस एम्पलीफायर की कैसी आउटपुट है। तो फ्रेंड्स अब जो आप साउंड सुनेंगे वो इस एम्पलीफायर की साउंड होगी। मैं अपने लैपटॉप से थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूँ और अब यहाँ से मैंने अभी इस एम्पलीफायर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट सप्लाई दे देता हूँ 220 वोल्ट की। फर्स्ट वाला इसका बेस कंट्रोलर है, ये ट्रेबल है, ये वॉल्यूम है और ये बैलेंस है। ये आप देख सकते हैं अब जो आवाज़ आएगी मेरे इस वाले सब वूफर में आएगी सिर्फ, इसमें कोई मिड फ्रीक्वेंसी का और ट्वीटर नहीं लगा हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा तो अब मेरे 8 इंच के स्पीकर में आवाज़ आएगी जिसमें मिड फ्रीक्वेंसी का और ट्विटर दोनों चीज़ें लगी हुई हैं।
और अगर मैं इस बैलेंस कंट्रोलर को सेंटर में रखूंगा तो दोनों स्पीकर्स में इक्वल आवाज आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने जो किट यूज़ किया डी 526 ट्रांजिस्टर की है, और ट्रांसफार्मर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, और डीसी 12 वोल्ट में सिंपल सी बेस टोन यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसकी आउटपुट आ रही है। बेस भी अच्छी आ रही है, बेस को मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, ट्रैवल को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने इसके साथ एक 8 इंच का स्पीकर चलाया और एक 6 इंच का सब ऊपर चलाया, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये किट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साउंड दे रही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इससे भी हैवी एम्पलीफायर बनाएंगे। ये 60 वाट का एम्पलीफायर है, एक चैनल के ऊपर 30 वाट की आउटपुट देता है। तो आने वाली वीडियोज़ में और भी ज़्यादा हैवी एम्पलीफायर्स भी बनाकर देखेंगे, और बेस टून्स भी बहुत सी क्वालिटीज़ की अवेलेबल होती है। लेफ्ट चैनल का अलग तरह से बेस कंट्रोल हो, राइट चैनल का अलग से बेस कंट्रोल हो, इस टाइप की भी बेस टून किट्स होती हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियोस इसी तरह बनाऊंगा कि किस तरह से एम्पलीफायर बनाए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।